एक बार देखिए, इस बीच हमारे साथ अमिताभ ओझा भी हाजीपुर से जुड़ गए हैं। अमिताभ, हाजीपुर की लड़ाई भी बेहद इंटरेस्टिंग है। चिराग पासवान खुद इस बार मैदान में हैं और ये वो सीट जहां से खुद उनके पिता 8 बार लोकसभा तक पहुंचे हैं, इसी सीट से। इस बार कैसा मुकाबला देख रही है जनता यहाँ की? देखिए, बिल्कुल मुकाबला इस बार भी एक तरफा नहीं कहेंगे, कड़ा मुकाबला यहाँ भी है। और ये क्षेत्र जो है रामविलास पासवान का क्षेत्र रहा है। लगातार 1977 से लेकर 2019 तक 20 के अगर 2 बार को छोड़ दे तो हर बार रामविलास पासवान या उनके परिवार का कोई सदस्य यहाँ से चुनाव जीतते आया है। और इस बार चिराग पासवान जिस तरीके से जमुई की सीट छोड़कर उन्होंने हाजीपुर की सीट पर दावा किया था, अपने चाचा से भी बगावत मोड़ ली थी और उसके बाद यहाँ चुनाव मैदान में, और अभी से कुछ देर पहले उनसे हमारी बात भी हुई थी, वो खुद गाड़ी चलाकर पूरे इलाके में जो मतदान चल रहा है उसका जायजा ले रहे हैं, जीत के प्रति आश्वस्त हैं। हालांकि जीत के प्रति आश्वस्त यहां से जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं शिवचंद्र राम, वो भी हैं, उनका भी कहना है कि वो जीत रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर शहरी इलाके की हम बात करें तो वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से हो रही है उससे कहीं ना कहीं उम्मीदवारों की भी परेशानी बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज अभी तक अगर हम 1 बजे तक कर बात करें तो 1 बजे तक सिर्फ 36% वोट हुए हैं, जो काफ़ी कम है। हालांकि आज मौसम भी ठीक था, बारिश भी हुई थी, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि मतदाता ज़्यादा संख्या में निकलेंगे, लेकिन वैसा नहीं दिख रहा है। ग्रामीण इलाकों में भी कमोबेश वही स्थिति है, तो वोटिंग परसेंटेज इन उम्मीदवारों की चिंता जरूर बढ़ा सकती है। लेकिन अगर हम बाकी अगर देखेंगे समीकरण की बात करें तो वो लगातार जो इस इलाके में थे अलग अलग क्षेत्रों में चले जाए तो अलग-अलग समीकरण देखने को मिल रहे हैं। ठीक है अमिताभ, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है। गांव गांव मचो शोर, घर घर तक News24। चुनाव में फ्री डिश पर News24 ने जी न्यूज, आज तक, रिपब्लिक भारत, न्यूज 18 इंडिया, टाइम्स नाउ नव भारत, इंडिया।